प्रतियोगिता सीनियर वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है, जिसका विषय है प्रतियोगिता की भावना रिश्तों को बिगाड़ती है। आज की प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिस्टर सिंह, मिस्टर मंडल, मिस बैनर्जी और मिसेस पुंडली। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रतियोगिता के नियम पूर्व की भांति हैं। प्रत्येक वक्ता को 4 मिनट का समय दिया जाएगा तथा प्रत्येक वक्ता से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संक्षिप्त व स्पष्ट हों। तो सर्वप्रथम विषय के पक्ष में मैं अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहती हूँ हिमांशी कठैत को पाल सदन से। कंट्रोल रूम द इलेक्ट्रॉन माइक। माननीय सभापति महोदया, निर्णायक गण, श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्रों, मैं आज सदन में प्रस्तावित विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं आज के विषय के मुख्य बिंदुओं से मुख्य बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, जिसमें सर्वप्रथम है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का अर्थ है एक लक्ष्य की ओर, एक लक्ष्य को पाने की ओर दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़। गौर कीजिएगा, दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़। भावनाओं का अर्थ है कल्पना, विचार या ख्याल, और रिश्तों का मतलब है संबंध या नाता। आज हम केवल विद्यालय में होने वाली प्रतियोगिता की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस प्रतियोगिता की जो एक ही वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच सहज रूप से विद्यमान होती है, और इस प्रतियोगिता के कारण उनमें ईर्ष्या की भावना और रिश्ते बिगड़ते हैं। मेरे विपक्षी मित्र आज प्रतियोगिता की खूबियां बताते हुए यह बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि प्रतियोगिता बेहद जरूरी है और इसके बिना उन्नति नहीं हो सकती आदि आदि। परंतु आज हम प्रतियोगिता की खूबियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि प्रतियोगिता की भावना रिश्तों को बिगाड़ती है। कुछ उदाहरण देके मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगी। आज हर व्यक्ति दूसरे से अधिक पैसा कमाना चाहता है, दूसरे की बड़ी गाड़ी को देखकर अपनी छोटी गाड़ी बदलना चाहता है। पड़ोस के शर्मा जी के बेटे के 90% अंक आए हैं तो अपने बेटे के 95% अंक लाना चाहता है। उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। महोदया, मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारे घरों में उपजी या छोटी छोटी बातें ही ऐसी भावनाओं को जन्म देती हैं, जैसे वो मुझसे बेहतर ना कर ले या आगे ना बढ़ जाए, जो रिश्तों को बिगाड़ती है। आज दो भाई भाई को देखकर खुश नहीं है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कौरवों और पांडवों का वो युद्ध, जहां प्रतियोगिता के कारण रिश्तों को तार तार होता देखा गया है। अब बात करती हूँ विद्यालय में होने वाली प्रतियोगिता की। महोदया, कुछ समय के लिए ही, परंतु प्रतियोगिता के दौरान ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि दूसरा कहीं जीत ना जाए या बेहतर ना कर दे, जिससे रिश्ते बिगड़ते हैं। आज दो देशों के बीच ऐसी ही कहीं प्रतियोगिता की भावनाएं हैं, जो ऐसी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं जिससे उनके रिश्ते कभी सुधर ही नहीं पाते। हर कोई दूसरे से बेहतर दिखने की भावना से भरा हुआ है। किसी ने ठीक ही कहा है कि हर कोई बनने लगा है सुल्तान यहाँ, अब किसी को दरबान नहीं बनना है, होड़ लगी है पूजे लोग हमें भी, परंतु इंसान किसी को नहीं बनना है। महोदया, आज हर क्षेत्र में प्रतियोगिता की भावना का जन्म इसलिए हो रहा है क्योंकि आज मनुष्य में सब्र और सहनशीलता कहीं खोसी गई है। जब तक दुनिया में जलन व ईर्ष्या की भावना रहेगी, रिश्ते बिगड़ते रहेंगे और प्रतियोगिता की भावना कभी भी शांति या प्रेम का संदेश नहीं लाएगी और रिश्तों को बिगाड़ेगी।
अंत में मैं थ्री इडियट्स फिल्म के एक संवाद से अपने विचारों को विराम देना चाहूंगी। जब दोस्त फेल होता है बुरा लगता है, जब दोस्त फेल होता है बुरा लगता है, परंतु जब वही दोस्त टॉप करता है ना और बुरा लगता है। धन्यवाद। आपने अपनी वाद विवाद में ये कहा कि दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा बुरा लगता है। आपको ये नहीं लगता कि अगर दोस्ती में प्रतियोगिता की भावना रिश्तों को बिगाड़ रही है तो वो कभी सच्ची दोस्ती थी ही नहीं? बेहद, वो कभी सच्ची दोस्ती थी ही नहीं, परंतु आज का विषय तो यह है ना कि प्रतियोगिता की भावना हमारे रिश्तों को बिगाड़ रही है। देखिए, जो ईर्ष्या है या अच्छी दोस्ती का कारण नहीं है, वह प्रतियोगिता के कारण ही निकलता है। आप किसी बिना वजह की किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते। जब तक प्रतियोगिता है और आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, वह भावना आएंगी और वह रिश्तों को बिगाड़ेंगी। परोक्ष रूप से नहीं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से जरूर बिगाड़ेंगी। धन्यवाद। जैसे हमने पिछले साल लूज लॉन्ग और जेसी ओवेंस की कहानी पढ़ी थी, तो उसमें वे अलग अलग देशों से आए थे ओलंपिक्स खेलने, परंतु उनकी तो काफी करीबी दोस्ती हो गई थी, तो उसमें आपका क्या कहना है? महोदया, हम आपके प्रश्न के धन्यवाद। आपने यहाँ लज लॉन्ग और जेसी ओवेंस का उदाहरण दिया, उनके बीच में दोस्ती थी, परंतु आप ये भी तो देखिए, जो उनको ईर्ष्या मिली है हिटलर द्वारा या उनके देश के द्वारा उस समय जब वह प्रतियोगिता के लिए आए, तो वह रिश्तों को बिगाड़ ही रही थी। अगर एक व्यक्ति 90% लोगों से अलग जाकर कुछ अलग कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वही है। जो 90% लोग कर रहे हैं वह माना जाता है, और उन सब में ईर्ष्या की भाव थी और रिश्ते बिगड़ रहे थे। धन्यवाद। अब विषय के विपक्ष में पाल सदन से सार्थक जैन। माननीय सभापति महोदया, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे प्रिय विपक्षी मित्रों, आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्ते बिगाड़ देती है, और मैं इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं अपना वक्तव्य प्रतियोगिता की भावना को परिभाषित करके शुरू करना चाहूँगा। प्रतियोगिता की भावना सफल होने की इच्छा, सर्वश्रेष्ठ होने और जीतने की इच्छा होती है। प्रतिभागी एक दूसरे को अधिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जब दो व्यक्ति प्रतियोगिता में होते हैं, वह एक दूसरे से प्रेरित होकर अपने कौशल में सुधार लाते हैं। इस प्रकार दोनों व्यक्तियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का हौसला मिलता है। हमें विद्यालय में सिखाया गया है कि जब हम किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो हम अपने प्रतिद्वंदी के साथ शिष्टाचार और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। जब हम किसी अंतरविद्यालय प्रतियोगिता में जाते हैं, हम सिर्फ भाग लेने नहीं जाते, बल्कि हम मैत्री का हाथ बढ़ाने और रिश्ते बनाने जाते हैं। यदि प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्ते बिगाड़ देती, तो विद्यालयों में प्रतियोगिताएं आयोजित ही ना होती और ओलंपिक जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी आयोजित ना होती। प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्ते सिर्फ तब बिगाड़ती है जब उन दो व्यक्तियों के बीच कुछ ईर्ष्या या रंजिश के भाव मौजूद हों। ऐसी स्थिति में वह कठोर भावनाएं रिश्ते बिगाड़ती हैं, ना कि प्रतिस्पर्धा। महोदया, आज की वाद विवाद प्रतियोगिता में मेरे विपक्षी मित्र प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में भ्रमित होकर त्रासदियों में समाप्त होने वाली प्रतिद्वंदिता के विभिन्न उदाहरण दे सकते हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ऐसी त्रासदियां केवल व्यक्ति के चरित्र और ईर्ष्या के कारण होती हैं, प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं। मेरा मानना है कि प्रतियोगिता की भावना जीवन को गति प्रदान करती है, और गति ही जीवन होता है। जिस प्रकार पड़ा पड़ा स्वच्छ जल भी सड़ जाता है, उसी प्रकार प्रतियोगिताओं और उनकी भावनाओं के बिना जीवन नीरस सा हो जाता है। अब मैं आपको 1936 में हुई बर्लिन गेम्स का एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब जेसी ओवेंस ने अपना लॉन्ग जंप परीक्षण को 2 बार विफल किया, तब उनके प्रतिद्वंदी लज लॉन्ग उनकी सहायता के लिए आए। उन्होंने जेसी का हौसला बढ़ाया
और उन्हें महत्वपूर्ण सलाह दी। बाद में जब जैसी ने लस को हराकर स्वर्ण पदक जीता तो लस उनको बधाई देने वाले पहले व्यक्ति थे। देवी और सज्जनों, जैसी और लस के बीच की मित्रता प्रतियोगिता से ही शुरू हुई और प्रतियोगिता से ही मजबूत हुई। प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्ते, जो व्यक्ति प्रतियोगिता की भावना से आपसी रिश्ते बिगड़ने देता है वह आत्मसंदेह और ईर्ष्या से भरा होता है। वह उसका व्यवहार है जो रिश्ते बिगाड़ रहा है, ना कि प्रतिस्पर्धा। महोदया, प्रतियोगिता की भावना रचनात्मक और सकारात्मक होती है। वह आत्मसुधार का एक माध्यम है। ईर्ष्या नकारात्मक और विनाशकारी होती है। वह केवल कठोर भावनाओं का एक माध्यम है। अब अंत में मैं बस कहना चाहूँगा, प्रतियोगिता में जीत हमें खुशी देती है तो हार हमें भरपूर ज्ञान देती है। जीत या हार दोनों में व्यक्ति का फायदा ही फायदा है। और बात रिश्ते की करी जाए तो मशहूर होना पर मगरूर ना होना, कामयाबी के नशे में चूर ना होना, मिल जाए सारी कायनात आपको मगर इसके लिए रिश्ते से दूर ना होना। धन्यवाद। आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रतिस्पर्धा के कारण ही हमें पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं? प्रतियोगिता के समय जब दो व्यक्ति जो मित्र होते हैं प्रतियोगिता में होते हैं, वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। अगर आप अपने मित्र के साथ किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, आप उसे एक साथ में अनुभव मान लेंगे। आप कुछ सालों के बाद उस अनुभव को याद करेंगे और इससे आपका रिश्ता बेहतर होता है, बिगड़ता नहीं है। जब दो मित्र एक दूसरे को हौसला देते हैं, उससे उनको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का भी हौसला मिलता है। धन्यवाद। जैसा कि आपने अपनी वाणी में लुज़लॉन्ग और जेसे ओवेन की कहानी का उदाहरण दिया, तो उसमें हिटलर ने लुज़लॉन्ग को काफ़ी समय के लिए अंडर कवर रखा था जेसे ओवेन से जीतने के लिए, ताकि लुज़लॉन्ग जेसे ओवेन से जीत जाए। तो उनके अंदर भी तो ईर्ष्या की भावना थी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो ईर्ष्या की भावना हिटलर के अंदर थी। जिस रिश्ते के बारे में मैंने बात करी है, जेसी ओवेंस और लुज़लॉन्ग, उनका रिश्ता उस प्रतियोगिता से बहुत मजबूत हुआ था। और बात हिटलर की करी जाए तो आप जानते हैं वो कैसे व्यक्ति थे। और आज हम ये बात कर रहे हैं कि रिश्ते मजबूत हुए या रिश्ते बिगड़े, और इस स्थिति में उन दो व्यक्तियों में रिश्ते बढ़े। और बात बाकी ओलंपिक्स की करी जाए तो उनमें भी आप देख सकते हैं कि देश जाते हैं अपने रिश्ते बनाने। धन्यवाद। धन्यवाद सार्थक। अब एलन सदन से कनिका बंसल विषय के पक्ष में। ये कैसी लाचारी है, हर मोड़ पर एक लड़ाई जारी है। आगे बढ़ने की होड़ में आपसी संबंधों में ही मतभेद भारी है। जीवन की कैसी विधमना है ये, अपनों से ही प्रतियोगिता जारी है। आदरणीय सभापति महोदया, निर्णायक गण, श्रोतागण और मेरे विपक्षी मित्रों, आज का विषय है प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्तों को बिगाड़ देती है, और मैं इस ज्वलंत विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं आज के विषय के प्रथम शब्द प्रतियोगिता का अर्थ बताते हुए अपनी वाद विवाद प्रारंभ करना चाहूंगी। प्रतियोगिता का अर्थ होता है प्रतिद्वंद्विता, होड़, शत्रुता, दुश्मनी। जब यह पहला ही शब्द इतने अर्थों से परिपूर्ण है, तो इस बात में कोई दोहरा नहीं कि प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्तों को बिगाड़ देती है। जब आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं जहां कई अन्य प्रतियोगी ट्रॉफी या कोई अन्य पुरस्कार जीतने की कोशिश करता है, तो उसे एक प्रतियोगिता कहा जाता है। जहां प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, वहां रिश्ते बिगड़ते ही हैं। मान्यवर, मेरा यह भी मानना है कि अगर कोई भी प्रतियोगी
किसी प्रतियोगिता में जब भाग लेता है तो वह उसमें अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है और वह उस प्रदर्शन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तत्पर रहता है क्योंकि वह स्वयं को विजेता घोषित करना चाहता है। हम कभी कभी खुद को सबसे उत्तम बनाने के चक्कर में अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं क्योंकि हम उस प्रतियोगिता के लिए काम कर रहे होते हैं। कई बार हम बड़ी सी बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और हमें परिणाम बिल्कुल आसपास दिखाई देती है। हमें लगता है कि हम उस प्रतियोगिता में प्रथम थे, दूसरे पक्ष ने हमारे साथ पक्षपात किया है और अगर स्वयं को विजेता घोषित किया जाए तो वहां पर भी रिश्ते बिगड़ते हैं। अब मेरे विपक्षी मित्र कहेंगे कि प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्तों को नहीं बिगाड़ता, तो यह बात उचित नहीं क्योंकि प्रतियोगिता का दूसरा नाम ही प्रतिद्वंद्विता है। मान्यवर, मेरा तो यह भी मानना है कि अगर प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा की भावना ना हो तो वह एक प्रतियोगिता नहीं है, वह एक मनोरंजन या टाइम पास बन जाएगा। प्रतियोगिता तभी सफल होता है जब वहां प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। प्रतिस्पर्धा की भावना ही हमारे अंदर जोश पैदा करती है, तभी हम उस कार्य को उसके नतीजे तक पहुंचा सकते हैं और इस कार्य को करते हुए हमारे संबंध भी बिगड़ सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर उस प्रतियोगिता को जीतने की होड़ लगी रहती है। जबकि बोर्ड गेम के दौरान कुछ प्रतिस्पर्धा की भावना स्वस्थ होती है, निरंतर प्रतिस्पर्धा एक साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार की प्रतियोगिता अक्सर रिश्ते में एक पक्ष की असुरक्षा से उत्पन्न होती है जिससे दूसरे पक्ष के फलने फूलने से उन्हें नाराजगी और अप्राप्यता महसूस होती है। कभी कभी कुछ माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों की तुलना करते रहते हैं, सकारात्मक हो या नकारात्मक तुलना भाई बहनों को एक दूसरे से नाराज कराती है, फिर वह एक दूसरे की मदद भी करना पसंद नहीं करते। लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या अच्छा करते हैं, ना कि लोग क्या कर रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि बढ़ना है तो अपने दम पर बढ़, क्यों किसी को चोट पहुंचाता है। आज तूने किसी को नीचा दिखाया है, कल तू अर्श पर आएगा, वो समय फिर पलट कर आएगा, कोई तुझे रौंद कर खुद फलक तक जाएगा और तू खाली हाथ ही रह जाएगा। धन्यवाद। प्रतियोगिता किसी व्यक्ति को उसका सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को बेहतर तरीके से साबित अपने आप को बेहतर तरीके से साबित कर पाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं? प्रतियोगिता किसी व्यक्ति को उसका सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति खुद को बेहतर तरीके से साबित कर पाता है, उसको पता चलता है कि कहां वो सुधार ला सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? प्रश्न के लिए धन्यवाद। वह अपने आप को बेहतर तो बना सकता है, पर आज का विषय है कि आपसी रिश्ते बिगड़ जाते हैं प्रतियोगिता के वजह से। और अगर आप अपने दोस्त के साथ एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, हो सकता है वो उस प्रतियोगिता में जीत जाए पर और आप खुश रहे उनके लिए, पर कहीं ना कहीं आपको बुरा तो लगता ही है ना, और वहाँ कहीं ना कहीं आपके रिश्ते बिगड़ ही जाते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी कहा कि हम अगर अपने किसी दोस्त के साथ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और वह जीत जाता है तो हम उससे खुश तो होते हैं, परंतु कहीं ना कहीं ईर्ष्या रहती है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वह हमारा दोस्त है तो हमारे उसके प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, पर अगर ईर्ष्या है तो वह दोस्ती सच्ची नहीं है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रश्न के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर वह आपके दोस्त है तो आपको खुश होना चाहिए कि वह प्रथम आए हैं, पर फिर भी होता है कि कभी कभी आप खुश हैं पर तब भी लगता है कि मैं भी कर सकता था। धन्यवाद। धन्यवाद कनिका। मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगी कि वो अपने प्रश्न संक्षिप्त और स्पष्ट रखें। अब एलन सदन से पार्थ कनोडिया विषय के विपक्ष में।
सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज सदन के पटल पर विषय है कि प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्तों को बिगाड़ देती है। मैं इस विषय का विरोध करते हुए विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। मान्यवर, यदि प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्तों को बिगाड़ देती तो प्रतियोगिताएं होती ही नहीं। मैं अपने समक्ष अपने ही विद्यालय का आपके समक्ष अपने ही विद्यालय का उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे विद्यालय में साल भर में कम से कम 25 से 30 प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें दूर दूर से विद्यालयों को निमंत्रण दिया जाता है। दूर दूर से विद्यालय आकर यहाँ पर हमारे साथ पार्ट लेते हैं और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे विपक्षी मित्र कहते हैं कि प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्ते को बिगाड़ देती है। जी नहीं, वह तो उन्हें और मजबूत कर देती है। मैं नहीं मानता कि प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्तों को बिगाड़ देती है। इसके अलावा मैं अपने विपक्षी मित्रों को यह भी बताना चाहूंगा कि अगर प्रतियोगिताएं होंगी ही नहीं तो हम एक स्थान पर ही रह जाएंगे। हमें यह पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हमें कितने लोगों को के सवालों का उत्तर देना आता है। अगर प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्ते को बिगाड़ देती तो आज आप और मैं इस वाद विवाद में उपस्थित ही नहीं होते। मान्यवर, यह कहना बिल्कुल अनुचित होगा कि प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्तों को बिगाड़ देती है। अगर प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्तों को बिगाड़ देती तो देश में इतनी प्रतियोगिताएं क्यों करवाई जाती। प्रतियोगिताएं ही हमारी देश की पहचान है। प्रतियोगिताएं हमें स्वयं से मिलवाती है कि हम कितने बड़े कार्य को करने के लायक हैं। मेरे मित्र कहते हैं कि प्रतियोगिताओं की भावना आपसी रिश्तों को बिगाड़ देती है। मैं उनके संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूँ। प्रत्येक प्रतियोगिता के कुछ न कुछ नियम होते हैं और वह नियम एक को स्वीकार करने होते हैं। जो जीत गया वो खुश हो जाता है, जो हार गया वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि प्रतियोगिताओं में कुछ नियम बनाए हुए हैं, क्योंकि हारने वाले को भी कुछ नया सीखने को मिलता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अगर वह कुछ नया सीखता है तो उसे खुशी होती है। और मेरे विपक्षी मित्र कहते हैं कि अगर हम किसी प्रतियोगिता में जीत जाते हैं तो हमारे विचार बिगड़ जाते हैं, हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। उनकी इस सोच पर मुझे बड़ा दुख होता है। मैं आपके समक्ष अपना ही उदाहरण दे देता हूं। अगर मैं आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता में जीत गया तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं हार गया तो भी मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने आज कुछ नया सीखा। मेरा तो यह मानना है कि प्रतियोगिता में रिश्ता तब बिगड़ता है जब हम प्रतियोगिताओं को के विषय को व्यक्तिगत रूप में ले लेते हैं, और यदि विषय पर प्रतियोगिता व्यक्तिगत है तो वो प्रतियोगिता ही नहीं है। वास्तव में अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें प्रतियोगिता करनी पड़ती है, और आज के आधुनिक युग में तो यह बहुत ही जरूरी है कि है। अगर हम ये सोचकर रह जाएंगे कि प्रतियोगिता से आपसी रिश्ते बिगड़ते हैं तो फिर प्रतियोगिताएं होंगी ही नहीं और हम स्वयं का ही मूल्यांकन भी नहीं कर पाएंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहूंगा कि अगर हमें अपनी वाणी का सही मूल्यांकन करना है तो प्रतियोगिताओं में जाना होगा और उस प्रतियोगिता को खुशी खुशी स्वीकार करना होगा। यदि हम यह सोचेंगे कि प्रतियोगिता की भावना रिश्ते को बिगाड़ देती है तो यह हमारी मूर्खता होगी। धन्यवाद। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपका मित्र बार बार किसी चीज में आपसे आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके मन में उसके प्रति ईर्ष्या पैदा होगी? क्या आप अपना प्रश्न दोहरा सकते? ऐसा नहीं लगता कि अगर आपका मित्र बार बार किसी चीज में आपसे आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके मन में उसके प्रति ईर्ष्या पैदा होगी? प्रश्न के लिए धन्यवाद। जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर मेरा मित्र मुझसे किसी चीज में बार बार आगे है तो ये तो सीधा सीधा यह दर्शाता है कि मैं उस चीज को ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये और सीखने की प्रेरणा देता है और मुझे ये आगे बढ़ते रहने का साहस भी देता है। थैंक यू।
आज के माहौल में जहाँ बच्चों को बचपन से यह सिखाया जाता है कि उनको सबसे श्रेष्ठ होना है, तो वहाँ प्रतियोगिता में जब वह हारते हैं या अच्छा नहीं कर पाते तो उनके अंदर ईर्ष्या बढ़ती है, तो एक तरह से तो प्रतियोगिता के कारण ही वह रिश्ते बिगड़ रहे हैं। देखिए, प्रतियोगिताएं जरूरी है हमारे समाज में आगे बढ़ते रहने के लिए। अब ये तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसे किस तरीके से ले रहा है। कोई एक इंसान ईर्ष्या में डूब डूब कर कुछ भी नहीं कर पाएगा, वहीं अगर कोई अपनी हार को अगर हार से सीखे तो वह उससे बहुत ही कामयाब इंसान बन सकता है। धन्यवाद। सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करूंगी कि वो सीधे उठ के बैठें और सोए ना। अब कॉर्नेल हाउस से विषय के पक्ष में कृतिम गर्ग। अपनेपन और मिठास से दूर ईर्ष्या और द्वेष की भावना अपने पंख पसारे हैं। रिश्ते सब उलझकर रह गए, प्रतियोगिता का एक कैसा जाल भारी है। आदरणीय सभापति महोदया, निर्णायक गण, श्रोतागण और मेरे प्रिय विपक्षी मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है, प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्तों को बिगाड़ देती है और मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। दो घनिष्ठ मित्र थे, राम और श्याम। वे दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। शुरुआत में तो उनकी प्रतिस्पर्धा का प्रभाव उनकी मित्रता पर नहीं पड़ा, परंतु जैसे जैसे वह बड़े हुए, राम कक्षा में प्रथम आने लगा। इस कारण श्याम का आत्मविश्वास कम होता गया और इस स्तर पर पहुंच गया कि वह राम के प्रति ईर्ष्या में बदल गया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती कम होती गई और एक समय ऐसा आया जब उन दोनों के बीच बातचीत ही बंद हो गई। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैंने ये साबित करने का प्रयास किया है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना ज्यादातर सिर्फ कुछ समय तक रहेगी, जिसके पश्चात वह दूसरे व्यक्ति के प्रति जलन में बदल जाएगी। हमें हमेशा से यह बताया गया है कि प्रतिस्पर्धा के बिना हम असफल रह जाएंगे। एक व्यक्ति को बार बार यह याद दिलाया जाता है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में अच्छा नहीं है। उसे यह याद दिलाया जाता है कि वह किसी कार्य को करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे उसे प्रेरणा तो जरूर मिल सकती है, परंतु लंबे समय में यह हानिकारक भी साबित हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी कार्य को करने में असफल हो रहा है तो वह किसी सफल व्यक्ति से अपनी तुलना करने लगता है, जो उसे मानसिक रूप से हानि पहुंचाता है। आप दो देशों का ही उदाहरण ले लीजिए। दो देश हैं जो बहुत विकास कर रहे हैं और उन्नति के पथ पर चल रहे हैं, परंतु उन दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा के कारण ही आपसी तनाव और दुश्मनी जन्म लेती है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में बड़े बड़े युद्ध जैसे कि विश्व युद्ध भी देशों की आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण हुआ था। विश्व युद्ध के दौरान अगर एक देश एक बंदूक बनाता था तो उसके बदले दूसरा देश दो बंदूकें बनाता था। इसी होड़ के कारण देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए और लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और आज तक इसके दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य में निरंतर अव्वल आ रहा हो तो यह मुमकिन है कि उसमें घमंड आ जाए, और हमें अच्छे से ज्ञात है कि एक अहंकारी व्यक्ति का कैसा आचरण होता है। वह दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने लगता है, जिस कारण उनके बीच रिश्ते खराब होने की पूर्ण संभावना है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि प्रतियोगिता की भावना ज्यादा समय तक रिश्ते मजबूत नहीं रख सकती। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपना वक्तव्य अंत करूंगा। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो इसमें आपकी बड़ी जीत है। धन्यवाद। पाल हाउस, मैं अपने विपक्षी से पूछना चाहूंगी कि
जब एक घर में कोई बच्चा बेहद ही मेधावी हो और कहीं उपलब्धियां पा चुका हो तो उसके छोटे भाई या बहन उससे प्रेरित होते हैं और मेहनत करते हैं ताकि वह उसकी तरह बने। तो ऐसे में तो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, ना कि बिगड़ रहे हैं। इसके बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मनुष्य का व्यवहार ही ऐसा है कि अगर कोई उसकी दूसरे व्यक्ति से तुलना करे तो उसे कुछ समय तक प्रेरणा मिल सकती है, पर निरंतर अगर उसकी तुलना की जाए तो वह उससे चिढ़ जाएगा और उसके प्रति जलन की भावना उसके मन में जरूरी पैदा होगी। धन्यवाद। एलन हाउस, अगर आप और आपके कोई भाई या बहन एक ही प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और अगर वह प्रथम आए तो आप तो उनके लिए अच्छा, आपको तो उनका अच्छा ही लगेगा ना कि वो प्रथम आए, वहाँ रिश्ते थोड़े ना टूट रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? मैंने अपने वाद विवाद में स्पष्ट किया कि ये एक या दो प्रतियोगिता की वजह से नहीं, निरंतर अगर आपका, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, निरंतर अगर आपका भाई या बहन उस प्रतियोगिता में अव्वल आ रहा हो और आप नहीं आ पा रहे तो कुछ समय बाद जरूरी आपके मन में जलन और ईर्ष्या की भावना पैदा होगी जो कि प्रतियोगिता के कारण ही है। धन्यवाद। अग्रवाल विषय के विपक्ष में। रिश्ते को निभाने के लिए, और अगर वह रिश्ता किसी प्रतिस्पर्धा के कारण टूट जाए तो समझ जाइए वह रिश्ता कभी था ही नहीं। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं नियति अग्रवाल कॉन्डन सदन से आज के विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज का विषय है प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्तों को बिगाड़ देती है, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सर्वश्रेष्ठ बनने और सर्वश्रेष्ठ पाने की चाह से ही प्रतिस्पर्धा शब्द का जन्म हुआ होगा। प्रतिस्पर्धा अगर सकारात्मक हो तो वह आपको बहुत आगे ले जा सकती है, और जहां तक की बात है रिश्तों की, तो अगर वह किसी प्रतिस्पर्धा के कारण टूट रहे हैं तो समझ जाइए कि वह रिश्ता सच्चा है ही नहीं। मेरा मानना है कि अगर ऐसी प्रतिस्पर्धा से बचे जो आपको गलत दिशा में ले जा रही है। बचपन से ही बच्चों को प्रतिस्पर्धा शब्द से भलीभांति परिचय करा देते हैं। उनसे एक दूसरे की तुलना करना, उनसे एक दूसरे के आगे बढ़ना और की नसीहत ही देकर हम उन्हें प्रतिस्पर्धा करना सिखा देते हैं, परंतु हम उन्हें यह बताना अक्सर भूल जाते हैं कि दूसरों से तुलना करने से पहले अपनी क्षमता को पहचाने। आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों से ईर्ष्या कर या उनसे रिश्ते खराब कर नहीं, परंतु उनसे कुछ सीख कर। जैसे कि खेल प्रतियोगिता बच्चों को अपने दोस्तों के साथ समय बिताने, अपने अनुभवों पर बनने, एक साथ कड़ी मेहनत करने और एक दूसरे के खिलाफ स्वस्थ तरीके से प्रतिस्पर्धा करने में अवसर देती है। खेलों में भाग लेने से बच्चे मौजूद दोस्ती को मजबूत करते हैं और नए रिश्ते बनाने में सक्षम होते हैं। तो उसका मतलब यह तो नहीं कि इसकी वजह से हमारी मित्रता में दरार आ जाएगी। उदाहरण के लिए हमारी कक्षा 10 के ICSE बोर्ड पाठ्यक्रम में हमें अंग्रेजी साहित्य में एक कहानी पढ़ाई गई थी, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। पढ़ाया गया था कि उन दो प्रतियोगियों ने अपनी दोस्ती को अपने ओलंपिक प्राइज से ज्यादा महत्व दिया था। वह दोनों एक विपक्षी होने के बावजूद भी अपनी दोस्ती को बनाकर रखा। अब जैसे कि हमारे स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता, आग्मिता प्रतियोगिता होती रहती है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह प्रतियोगिताएं इसलिए नहीं होती हैं कि हम अपनी प्रतियोगिता के बाद एक दूसरे की गलतियां निकालें और उस पर लड़ाई झगड़ा करके अपने रिश्तों में दरार लाएं, बल्कि यह इसलिए होती है जिससे हम दूसरों को गलती से सबक लेकर भी हम वैसे भूल ना करें और दूसरों से अपनी गलतियां जानकर वह गलतियां वापस ना दोहराएं। इसी तरह से तरक्की करते देख उनकी ईर्ष्या करने के बजाय हम उनकी तरह बनने का प्रयास करें। इस तरह से ना तो सिर्फ अपनी वृद्धि कर पाएंगे अपितु उस इंसान से अपना रिश्ता और मजबूत कर सकते हैं। जो सच्चा दोस्त होता है उसे ना तो आपकी तरक्की से कभी जलन होगी और ना तो आपके बीच जो रिश्ता है वह कभी खराब करेगा। मैं अपनी वाद विवाद को अंत करते हुए कुछ शब्दों से यह बताना चाहूंगी कि प्रतिस्पर्धा तो जिंदगी का हिस्सा है, कोई हारता है कोई जीतता है, परंतु अगर दिल से बनाया हुआ रिश्ता
प्रतिस्पर्धा के कारण टूट जाए तो प्रतिस्पर्धा को दोष नहीं अपने रिश्ते को दोष देना चाहिए। धन्यवाद। जब परिवार में माता पिता छोटे बच्चे की बड़े बच्चे से तुलना करते हैं तो छोटे बच्चे को शायद कुछ समय के लिए प्रेरणा मिले, पर अंत में हमेशा यही होता है कि छोटे बच्चे को अपने बड़े भाई या बहन से ईर्ष्या होने लग जाती है और उससे उनके रिश्ते में दरार आ जाती है और वो बात करना छोड़ देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने अपने वाद विवाद में कहा है कि अगर आपका रिश्ता इतना सच्चा होगा तो मुझे तो नहीं लगता कि कितनी भी आपके बीच में जो भी दरारें आए कुछ भी होए वो रिश्ता वैसा ही रहेगा, और अगर वह रिश्ता नहीं रहता है तो आपके रिश्ते में ही की नींव में ही कोई कमजोरी है। धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आपने वो फिल्म बाहुबली तो देखी होगी, तो उसमें एक शहर महेश्वरी के लिए दो भाइयों के बीच ऐसा दरार आया कि बेटे की खुद की माँ भी उसके खिलाफ चली गई, तो उसमें आपका क्या कहना है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि उस रिश्ते की नींव ही ऐसी होगी कि अंत में उसमें दरार आनी ही होगी, और अगर वह रिश्ता पहले टूट जाए और बाद में कुछ खराब होने से अच्छा है वह रिश्ता पहले ही टूट जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब फॉय सदन से अंतरा गुप्ता विषय के पक्ष में। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे प्रिय विपक्षी मित्रों, आज के वाद विवाद का विषय है प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्तों को बिगाड़ती है, और मैं इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। भाइयों और बहनों, आज के काल में कोई भी अपने से किसी व्यक्ति को उच्च स्तर पर नहीं देखना चाहता, अतः सर प्रतियोगिता में भावना रहती है, और यह प्रतियोगिता मित्र को शत्रु, भाई को शत्रु और यहाँ तक कि परिवार को शत्रु बना देती है। यह प्रतियोगिता भाइयों और बहनों, यह प्रतियोगिता इंसान को इतना गिरा देती है कि इंसान अपने खुद के भाई के घर को तबाह करने के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण के रूप में आप अंबानी परिवार का ही ले लीजिए। अनिल को इतना दिया था, परंतु उसकी प्रतियोगिता की भावना के कारण उसने अपने खुद के भाई को कानूनी दोषी घोषित कर दिया। भाइयों और बहनों, यह तो सिर्फ एक उदाहरण है, या तो ना जाने पर इतने सारे परिवार ऐसे बिगड़ जाते हैं। कर्मचारी विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं, लेकिन अपने वरिष्ठ व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए वे कई बार अपनी सहयोगी को हराने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यह प्रतियोगिता कर्मचारियों के बीच संबंध खराब करती है। प्रतियोगिता केवल खेल तक सीमित नहीं है, हमारा पूरा जीवन ही प्रतियोगिता से भरा हुआ है, और मैं तो यह कहूंगी कि आजकल सब में कुछ ना कुछ दौड़ मची है। हर व्यक्ति पैसा व शोहरत के लिए पागल हो गया है, जिस कारण हम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन जाते हैं। प्रतियोगिता दूसरों से ज्यादा अच्छा दिखने की प्रतियोगिता, दूसरों से ज्यादा पैसे की प्रतियोगिता, उसकी साड़ी मेरे से ज्यादा सफेद और पड़ोसी के 94% आए तुमने क्या किया, प्रतियोगिता प्रतियोगिता प्रतियोगिता। बच्चे के पैदा होते ही प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। कितने ही बच्चे इन्हीं प्रतियोगिताओं की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। इसी प्रतियोगिताओं भावना को कम करने के लिए अंकों की जगह ग्रेडिंग सिस्टम विदेशी में शुरू हुआ है और अब हमारे देश में भी जारी है। यदि यह सब प्रतियोगिता ना हो तो हमारा संसार एक बहुत ही खूबसूरत होगा। अब अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहूँगी। मुझे यकीन है कि इधर सब बैठे आप सभी ने थ्री इडियट्स फिल्म तो देखी ही होगी, तो उसमें यह कहा गया है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, मगर अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है। भाइयों बहनों, इस बात को एक मजाक के रूप में दर्शाया गया होगा फिल्म में,
परंतु यह तो आप भी जानते हैं कि असल जिंदगी में इस बात की कितनी सच्चाई है। धन्यवाद। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर किसी भाई बहन में किसी प्रतिस्पर्धा के कारण दरार आ रही है तो वह रिश्ते की नींव में कोई कमी रही होगी? क्या आप अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर किसी भाई बहन में किसी प्रतिस्पर्धा के कारण दरार आ रही है तो उस रिश्ते की नींव में ही कोई कमी रही होगी? प्रश्न के लिए धन्यवाद। मेरे हिसाब से भाई और बहनों के बीच दरार नियति के कहने का मतलब है कि दो भाई बहन एक घर में जब उनमें से कोई एक ज़्यादा बेहतर होता है दूसरे से तो उन दोनों में ईर्ष्या की भावना जाग उठती है, तो क्या उनका रिश्ता कमज़ोर नहीं है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। नहीं, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि भाई और बहनों के बीच ऐसी प्रतियोगिता की भावना। आप आज की वाद-विवाद प्रतियोगिता का उदाहरण ले लीजिए। क्या आप यह कहना चाहती हैं कि प्रतियोगिता के अंत में या प्रतियोगिता के कारण आपका मंच पे उपस्थित मित्रों के साथ रिश्ता बिगड़ जाएगा? प्रश्न के लिए धन्यवाद। नहीं, इस प्रतियोगिता में सबको पोजीशंस मिलेंगी तो मुझे यह नहीं लगता कि बिगाड़ देगा, पर हम खुश होंगे अपने मित्र के लिए कि वह उन्होंने इतना अच्छा किया, पर अंदर ही अंदर हमें भी यह लगेगा कि हमने भी इतनी मेहनत की तो हमें भी कि हम भी डिजर्व करते थे। सो धन्यवाद। धन्यवाद अंकिता। अब फॉर सदन से कृष वर्मा विषय के विपक्ष से। सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आदरणीय महोदया, सभापति महोदया, निर्णायक गण, शिक्षक गण, श्रोता गण और मेरे प्यारे विपक्षी मित्रों, आज सदन के पटल पर वाद विवाद का विषय है प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्तों को बिगाड़ देती है, और मैं इसका विरोध करते हुए अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूँगा। भाइयों बहनों, आज के समय में प्रतियोगिता का होना बहुत ज़रूरी है, पर मेरा यह मानना है अगर हम किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो हम अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति किसी ईर्ष्या की भावना रखते हैं। अब आज आप हम इस मंच पर अगर बैठे हैं वाद विवाद की प्रतियोगिता के लिए, अपने सदन को जिताने की प्रतियोगिता की भावना के साथ, तो इसका मतलब यह तो नहीं यह भावना हमारे रिश्ते को आपस में बिगाड़ रही है, उल्टा अगर इस प्रतियोगिता के बाद हमारे रिश्ते को और सुधार रही है, क्योंकि जैसे हम एक दूसरे विचार सुनेंगे और आपस में भाग लेंगे तो हमारे रिश्ते को और सुधारेगी। तीसरा उदाहरण मैं आपको क्रिकेट के खेल से संबंधित देना चाहूँगा। हमारा देश न जाने कितने अन्य देशों के साथ क्रिकेट का खेल खेलता है, परंतु परिणाम चाहे जो भी हो, दोनों ही टीमें आखिर में हाथ मिलाती हैं और अपने रिश्ते को मजबूत रखती हैं। अब ना जाने हमने श्रीलंका देश के साथ कितने ही खेल खेले होंगे, परंतु खाद्य और ईंधन संकट के समय में भारत देश ने श्रीलंका देश की मदद करी, जो कि यह साबित करता है कि प्रतियोगिता की भावना आपसी रिश्ते को नहीं बिगाड़ती। अब आप पाकिस्तान देश का उदाहरण ही ले लीजिए। हमारे पाकिस्तान देश के साथ कटाक्ष हैं, परंतु हमारे देश के कुछ महान क्रिकेटर जैसे MS धोनी, विराट कोहली और ऋषभ पंत के बहुत से चाहने वाले लोग पाकिस्तान में हैं, जो कि हमारे रिश्ते को उनके साथ और सुधारता है। तीसरा उदाहरण भी मैं आपको खेलकूद से संबंधित ओलंपिक गेम्स का देना चाहूँगा, जिसके चिन्ह में आपस में जुड़े 5 गोले सभी देशों की एकता को दर्शाते हैं, जिसमें कि हम प्रतियोगिता की भावना के साथ ही खेलते हैं, परंतु वह हमारे रिश्ते को बिगाड़ता नहीं
उल्टा सभी देश जब एक साथ उसमें भाग लेते हैं तो हमारे रिश्ते और मजबूत करता है। और मैं इसके विपरीत जाकर यह कहना चाहूँगा कि हमारे देश को अन्य देशों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा खेल खेलने चाहिए, जिससे हमारा रिश्ता उनके साथ और मजबूत होगा। अब भाइयों बहनों, मान लीजिए मैं अपने किसी मित्र के साथ दौड़ने की प्रतियोगिता के लिए रोज अभ्यास करता हूँ, तो रोज अभ्यास करने से हम दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो अब आप ही बताइए, इसमें हमारा रिश्ता और मजबूत होगा या बिगड़ेगा? आखिर में मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए मैं आपको विद्यालय का उदाहरण देना चाहूँगा। कक्षा निवास में हर साल हमारे अंदर हर बच्चे के अंदर ज़्यादा नंबर लाने की प्रतियोगिता की भावना होती है और हम उसके लिए मेहनत भी करते हैं, परंतु उस प्रतियोगिता की भावना हमारे रिश्ते को बिगाड़ती नहीं है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और बड़े कक्षा में पहुँचते हैं, हमारे आपसी संबंध और मजबूत हो जाते हैं। धन्यवाद। एलन हाउस, अगर आप एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अगर आप आखिरी आए हैं तो आपको बुरा तो लगेगा ही ना कि वो प्रथम आया मैं नहीं, तो वहाँ रिश्ते तो बिगड़ ही रहे हैं। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। अगर हम किसी प्रतियोगिता में आखिर में आए हैं तो वह हमारे अंदर हमें बुरा तो लगेगा, परंतु अगले साल हम आखिर में ना आए उसके लिए हम पूरे साल अपनी पूरी कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे, उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम अगले साल आखिर नहीं आएंगे। आपने अपने वक्तव्य में खुद ही यह कहा है कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं, परंतु वह भी तो प्रतियोगिता के कारण ही है कि हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं। तो आपने तो एक तरह से हमारी वक्तव्य को सही साबित किया है कि प्रतियोगिता के कारण रिश्ते बिगड़ रहे हैं। धन्यवाद। मैं आपको यह कहना चाहूँगा, मैंने अपनी वाद विवाद में यह भी कहा है कि कॉमन ओलंपिक गेम्स के 5 जुड़े हुए चिन्ह आपस में ये दर्शाते हैं कि खेल खेलने से हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं। तो हमारे और पाकिस्तान देश के बीच में खेल इसीलिए कराए जाते हैं, जो अभी हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे नहीं हैं तो वो एक साथ खेल खेलने से और अच्छे हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं सभागार में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करूंगी कि